ये जानेंगे कि कहाँ पे हमें डिटर्जेंट डालना है या वो जो टिकिया आती है बिस्किट सा आता है वो कहाँ पे लगाना है और दूसरा रिनाइज एड कहाँ पे डालना है। ये जो हमारा प्लेस है हमें यहाँ पे डिटर्जेंट डालना रहता है, इसको फिल करना, उसके बाद ऊपर में हम इसे बंद कर देंगे। आपको स्लाइड करना रहेगा, स्लाइड करने से बंद हो जाता है। इसे खोलना है तो बगल वाले ब्लैक वाले बटन को दबाइए, खुल जाता है। और दूसरा ये जो हमारा दिया है इसके बगल में ये रिनाइज हेड डालने के लिए, इसको हमें खोलना है और इसमें रिनाइज हेड को भरना है। तो वॉश करते समय मशीन में अपने आप से सेटिंग रहती है कि उसे कितना रिनाइज हेड यूज़ करना है और वो ले लेती है उस हिसाब से। रिनाइज हेड से हमारे बर्तन चमकदार भी बनते हैं तथा उनसे दाग धब्बे भी नहीं लगते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कहाँ पे हमें सॉल्ट डालना हो। दोस्तों सॉल्ट डालने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे वाली ट्रे को निकालना होगा। आपको इसके लिए नीचे ट्रे को निकाल के अलग रखना होगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये दिया गया है, प्लेस बना हुआ है टंकी सा जिसमें हमें सॉल्ट भरना होता है। आप इसमें सॉल्ट भर सकते हैं और उसकी एक एज होती है कि वो कितने दिन चल सकता है। अगेन सॉल्ट की भी मशीन में सेटिंग रहती है कि उसे कितना लेना है। जैसा आपके वाटर की हार्डनेस है उस हिसाब से आप खुद भी उसकी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस मशीन में अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी रहती है जिस हिसाब से वो सॉल्ट लेती है। ये तो हो गई बात इस मशीन के इनर पार्ट्स की। हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं तथा अच्छा कभी कभी क्लीनिंग करनी पड़े तो कहाँ पे क्लीनिंग करनी है। आप जब बर्तन धोएंगे तो उसकी आपकी गंदगी कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगी। तो अगेन उसके लिए भी आपको नीचे वाला रैक निकालना पड़ेगा। और नीचे में आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है, जैसे आप जब किचन में बर्तन धोते हैं तो सिंक में आपके एक फिल्टर लगा रहता है जहाँ सारी गंदगी इकट्ठा होती है, वैसे इस मशीन में भी ये फिल्टर लगा हुआ है जिसमें सारी जाके गंदगी इकट्ठा होगी। और ये जाली भी लगी हुई है जिससे कुछ नीचे में ना जाए। तो आप वीक में एक बार इसको ज़रूर बाहर निकाल लें और इस फिल्टर को पानी से धो के अच्छे से साफ कर लें तथा इसे वापस लगाना भी बहुत आसान है। जैसे मैंने इसे खोला था वैसे ही आप इसको यहाँ पर प्लेस करिए और इसको ऐसे आपको घुमाना रहता है और ये घुमाने से ऐसे टाइट हो जाता है। टाइट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप ये देख रहे हैं ये दो एरो बने हुए हैं, टाइट हो गया तो ये दोनों एरो एक दूसरे की सीध में रहेंगे।